अस्सलाम वालेकुम गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल। हाजिर एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो गाइस, फ्रेशनेस सुबह के साथ और साथ में कबूतरों के साथ जो कि खुले हुए हैं। तो कि गाइस देखो क्या हुआ ना कि मेरी मम्मी को थायराइड शुगर कोलेस्ट्रॉल है, तो उसके चक्कर में डॉक्टर ने बताया कि सुबह सुबह जॉगिंग करना। तो जॉगिंग करने के लिए मेरी मम्मी, फिर मैंने उठाया 6 बजे उनको, मैंने कहा मैं आज से 6 बजे अलार्म लगा दिया करूँगा और 6 बजे उठा के जॉगिंग के लिए छत पर थोड़ा सा भागने के लिए, थोड़ा सा रनिंग करने के लिए बोला इनको। तो मैंने अलार्म लगाया था, मम्मी ऊपर आई तो फिर साथ में मैं भी ऊपर आ गया था। तो गाइस फाइनली मैंने कबूतर सुबह सुबह खोल दिए थे, बट ये नहीं खोले थे मैंने, ये वाले खोल के मैंने इनको दाना पानी डाल दिया, क्योंकि आपको पता है 3 बच्चों का रिक्स होता है गाइस, बहुत मुश्किल से पलते हैं 3, और 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो इसलिए मुझे डर लगता है कि कभी कुछ हो ना जाए, तो प्रॉपर उन पर ध्यान देता हूँ मैं, तीनों बच्चों को एक साथ भरवाता हूँ। तो इसलिए गाइस मैं बार बार इनको देखता रहता हूँ ऊपर आके, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने कहा चलो मैं देख ही रहा हूँ, तो क्यों ना अपने दोस्तों को भी दिखाता चलूँ बच्चे। और फाइनली गाइस मैं आज जो जा रहा हूँ ना, मैं आज जा रहा हूँ नानी की तरफ। तो गाइस मैं आपको वो मोमेंट्स दिखाऊंगा जहाँ मैं पहले खेलता था और छोटा था गाइस, मैं वहाँ बहुत जाता था। एक बगीचा है बहुत खूबसूरत जो कि मुझे बहुत पसंद है, सुनसान रहता है एकदम मस्त, और सुबह के टाइम लोग जॉगिंग करने वहाँ पर आते हैं, मुझे बहुत पसंद है गाइस। वो मेरा बचपना समझ लो एक तरीके से, मैं खूब वहाँ खेला हूँ बचपने में। तो मैं आपको वो मोमेंट्स दिखाऊंगा गाइस, ठीक है। तो और फाइनली मेरा कज़न वहाँ पर मिलेगा, तो आप लोग उससे भी मिलना, और मैं नानी की तरफ जाऊँगा, आप लोग को सबसे मिलवाऊँगा, ठीक है गाइस। तो फाइनली अपने मैं खोल देता हूँ कबूतर। तो गाइस मैंने सुबह इनको खोला था, ऐसी बात नहीं कि मैंने दाना उना नहीं डाला, सब कुछ डाल डूल के मैंने बंद करा, इनको पेट वेट भरे हुए इनके, बट मैं फिर भी इनको खिला के जाऊंगा थोड़ा बहुत दोबारा से। क्योंकि देखो गाइस मेरा क्या है ना कि टाइम अगर हो जाता है ना तो इनका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि उनका टाइम तो 6 बजे का खोलने का है गाइस। जब से मैंने वीडियो बनाई है ना गाइस, जब से उस दिन वीडियो डाली थी और जब से 6 बजे का ही टाइम है। और गाइस मैं आपको एक सीक्रेट बता दूँ, ओ शिट, मैं एक चीज़ बताना भूल ही गया गाइस, कसम से गाइस, एक कबूतरी उसमें न्यू है और मुझे खुद को नहीं पता गाइस, खुद को नहीं पता कि वो कब आई कब गिरी, मुझे खुद ही नहीं पता। और आप भी देख के चौंक जाओगे कि अरे ये तो हमने वीडियो में देखी थी। और गाइस फाइनली आपने देखी भी थी ये कबूतरी, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये कबूतरी आपने वीडियो में देखी होगी गाइस। मगर जब मैं ये नए कबूतर लेके आया था ना गाइस, याद करना, मैंने सबका शौक कराया था, मगर आपको ये कबूतरी उसमें दिखी थी बिल्कुल नहीं दिखी होगी, क्योंकि ये कबूतरी मुझे खुद भी नहीं पता। देखो कबूतर माशाल्लाह बुरी नजर से बचा है गाइस, कबूतर माशाल्लाह ज्यादा है। तो मेरे को क्या होता ना, कबूतर ऊपर नीचे करते टाइम ना समझ नहीं आता कौन सा कबूतर गया कौन सा आया, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। इसी चक्कर में तो गाइस 2 कबूतर भी चले गए जाल में से निकल के, मुझे पता नहीं चला, बाद में पता चला। तो ऐसी ये कबूतरी आके अंदर चली भी गई, बाहर भी आ गई, और मुझे पता भी चला, मैंने वीडियो भी बना दी है देखो जरा, वरना अगर भाग जाती मुझे पता भी नहीं चलता किसकी कबूतरी है। तो अचानक से मेरी नजर पड़ी, मैंने कहा ऐसा तो कबूतर मैं लाया ही नहीं था कोई, क्योंकि सबके सामने नजर मेरी वीडियो में, सब मैं वीडियो अपनी देखता हूँ तो सब पता चल जाता है। जब मैंने अपनी वीडियो देखी ना तो मुझे समझ में आया कि ये कबूतरी किसी और की है। फिर मैं ऊपर आया, इसे कम पड़ते गाइस, अगर मैं दोबारा खोलता तो भाग जाती, क्योंकि फिर ये भूखी हो गई थी गाइस बहुत ज्यादा, ये भाग जाती। तो फाइनली इसको मैंने पकड़ा और इसके पिन मार दी गाइस। मैं अभी इसका शौक कर रहा था जस्ट, क्योंकि जस्ट पकड़ी है तो गाइस, जस्ट नहीं पकड़ी सॉरी, ये परसों की पकड़ी हुई कबूतरी, हाँ, तो ये जब से जाल के अंदर ही है। तो मैं इसका शौक कराता हूँ गाइस, पहले आओ बट्टी, बट्टी आओ, ओडा, अरे डरो मत भाई, मेरा मुंह मत गंदा करो, जाना भी है मेरे को आज। तो मैं अपनी बच्ची का शौक करा दूँ, ये जो मैंने पकड़ी है अपनी मेहनत से, तो मैं इसका शौक करा दूँ। सो गाइस देखिए कबूतरी, देखिए गाइस कितनी जबरदस्त है, हाथ में पता चल रहा है कबूतरी कितनी बढ़िया है कबूतरी है। देखो ये देखो गाइस कबूतरी का, ये देखो पिन मार रखी है मैंने, इसके पिन मार दी गई, देखो भाग भूक गई ना, रिक्स नहीं लेना चाहिए कबूतर के, पिन मार दो, ये देखो पिन मार रखी है मैंने, मैं खोल दूंगा जल्दी गाइस, पर ना कबूतरी बहुत चला गई है। ये देखो पंजे काले हैं इसके, काफ़ी मस्त कबूतरी, जानदार कबूतरी है गाइस, ये देखो शौक करो उसकी आँखों, कबूतरी काफ़ी अच्छी है गाइस। देखिए क्या होगा गाइस, वैसे ही आपको दिख रहा होगा हाइट वुट में कबूतरी की जबरदस्त है। तो गाइस इसीलिए मेरे को ये कबूतरी बहुत पसंद आई, हटो बीच में से, हट देखने थे कबूतर को। सो गाइस इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये कबूतरी मुझे भी बहुत पसंद आई, तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊंगा इसी बहाने से। तो फाइनली मैंने दिखा दिया गाइस, ये देखो ये देखो ये देखो कहाँ जाते हैं यार, जब भी तो कबूतर बाहर रह जाते हैं गाइस। ये वहां चले गए थे पेड़ों की साइड, तो इनको बाहर निकाल दिया मैंने, चल चल चल
पर वो देखो बंदे पड़े हैं, इनको डर ही नहीं है कि गिर जाएं कहीं निकल जाएं, मगर नहीं जाना है इनको उधर। चलो उधर चल, तो उधर मैं वापस लेके जा रहा हूँ गाइस। और एक बात और गाइस, आपको पता है क्या बोलते हैं, थक जाता हूँ बोलते बोलते, क्योंकि गर्मी में ना बोला नहीं जाता ज़्यादा मुझसे। देख रहे हो गर्मी कितनी तेज़ हो रही है गाइस, देखो पूरी मेरे मुंह पे धूप आ रही है तगड़ी वाली, ख़तरनाक वाली। तो गर्मी में ना तो चक्कर से आने लगते हैं धूप में आके, मगर क्या करूँ गाइस, मुझे जाना पड़ता, अगर शाम को वीडियो नहीं बना पाता तो फिर दिक्कत होती ना, तो इसलिए मेरे को सुबह से बनाना पड़ती। और मेरे को और मेरे मन में वो बात टिकती भी नहीं, क्योंकि वो कबूतरी पकड़ी हुई है, मुझे आप लोगों को बताना होता सबसे पहले, तो इसलिए गाइस मेरे को, मैंने कहा नहीं मैं बता के रहूँगा, क्योंकि मुझे सबसे खलबली होती है आप लोगों को बताने की, किसी को पता चले ना चले मगर आप लोगों को पता चलना चाहिए गाइस। जब आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, इतना सपोर्ट करते हो, तो आप लोगों को सबसे पहले ही बात होनी पता चलनी चाहिए ना। तो गाइस पता है कुछ लोग कमेंट अजीब अजीब से कर देते हैं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कुछ लोग कमेंट अजीब अजीब से करते हैं। अब वो अजीब करें या गरीब करें या अच्छे करें, भाई जो अच्छे करते हैं उनके दिल से अच्छी बात निकलेगी, और जो गलत करते हैं तो उनके लिए तो कुछ कहने की बात ही नहीं है, वो कर रहे हैं करने दो उनको जो करना है, बाकी आप लोग जो करना है करते रहिए गाइस। मुझे कमेंट अच्छे अच्छे करते रहना और अच्छे से प्यार अपना दिखाते रहना, और सब्सक्राइब मेरी वीडियो को कर, जो मेरी वीडियो है, मेरा जो ब्लॉग है उसको सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। बेल आइकन को ऑन रखना गाइस, और लाइक ज़रूर कर देना गाइस। और मैंने काफ़ी पका दिया होगा, तो पकाते समय गाइस मैं ही से एंड करता हूँ वीडियो को, और मिलता हूँ सीधा नानी के घर पर, ठीक है गाइस। तो मैंने आपको दिखा दिया सारा पॉइंट व्यू, और थोड़ा सा मिल लीजिए बच्चों से, जो कि तीन बच्चे एक साथ हैं, ये देखो गाइस तीन बच्चों की झुंड, वो भी एक साथ, देख रहे हो पूरे वो बने हुए हैं जैसे कि हाथियों का झुंड नहीं होता, वो इनके इनके पास डाल रखा है मैंने, ये मासूम है बहुत ज़्यादा, तो इन्हीं के पास दे दिए, मारते पीटते नहीं है, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नानी के घर पे, ठीक है, यहीं से मैं कर रहा हूँ ब्लॉग को एंड, सीधा मिलेंगे नानी के घर पे। हेलो गाइस, तो गाइस मैं अभी नानी के घर गया नहीं हूँ, तो मुझे ना पहले मैंने सोच रहा था कि हम जल्दी निकल जाएंगे, तो मगर आप हम लोग लेट हो गए बहुत ज़्यादा, मतलब तीन बज चुके हैं और हम लोग को 3 बजे जाने को टाइम मिला है। तो मैं सोचा कि जो उड़ने वाले कबूतर है ना, जो इस वाले जाल में है, इस वाले जाल में, तो उनको मैं सोचा डाल के ही जाऊँ, तो कल ये ना हो कि कबूतर भूखे रह जाएं, क्योंकि जो उनका टाइम टेबल है ना 6 बजे का, ये उस टाइम से खुल रहे हैं, तो गाइस ये होगा फिर कबूतर ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि फिर अगर मैंने दाना उनको टाइम पे नहीं दिया तो इसलिए मैं कबूतर गाइस दाना उना सब डाल के जा रहा हूँ, ताकि मुझे कोई टेंशन ना हो कि वहाँ जाऊँ मैं आराम से खेलूँ कूदूँ और मस्ती करूँ। काफ़ी दिन बाद जा रहा हूँ मैं गाइस नानी के घर, महीनों बाद, तो इसलिए मैं फ्री टेंशन जाना चाहता हूँ। सबको मैंने खिला दिया, वो सामने आपको कबूतर दिख रहे हैं ना, उनको मैंने दाना उना सब डाल दिया है, और बस ये रहते हैं, तो इनको ही डालना है, बस इनको डाल देता हूँ मैं, भर रहा हूँ दाना, जल्दी से दाना भर लेता हूँ, मैंने इस कट्टे में दाना रखा है, इस कट्टे से बराबर भर लेता हूँ मैं पहले। तो फाइनली गाइस मैंने दाना वगैरह ले लिया, ये देखिए दाना, जो 250 ग्राम दाना डाला जा रहा है इनको, कभी 300 होता था, कभी 250, तो मिक्स हो रहा है कबूतरों को। अरे अरे यार तुम लोग कबूतरों को पानी बहुत गंदा करते हैं ये लोग, तो मैं फटाफट से देखो गाइस इन सारे कबूतरों को पानी मैंने रखा था, और बस दाना डालना रहता है, दाना इनको डालूंगा मैं, बस देखो दाना डालते ही ये पानी फेंक देता हूँ, गंदा हो गया बहुत ज़्यादा, एक सेकेंड। सो फाइनली गाइस मैं देखो दाना डालने जा रहा हूँ कबूतरों को अंदर ही। अरे बाबा ये क्या कर दिया तुमने इनको, देखो गाइस भूखे कितने ज़्यादा हैं ये, जो कि इतनी बुरी तरह से चुपट गई है खाने के लिए। तो गाइस देखिए मैंने दाना डाल दिया है, आप डायरेक्ट मैं आपको मिलता हूँ नानी के घर, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया ना गाइस, ये ना हो कि आप लोग सोचो कि दाना पका नहीं डाला कि नहीं डाला, तो सबूत के तौर पे मैं दिखाता हुआ जा रहा हूँ आपको सब कुछ। तो फटाफट से मैं पानी ला के डालता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको ना। फाइनली गाइस मैं अपनी नानी के घर आ चुका हूँ। गाइस मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया था आने में ही, 4:30 बज गए थे मुझे, और जो मेरा कज़न था जो जिसके चक्कर में नहा आया था मैं, तो वो तो मुझे मिला नहीं था, वो तो अपने काम में बिजी था, क्योंकि वो काम करता है, तो मैं उसको बुलाने गया था वहाँ पर नाले के पास, वो उसकी दुकान है नगर डेयरी में, तो मैं वहाँ बुलाने गया था, तो मैं उसको बुला के लाया, फिर मैं ओवर टाइम हो गया, तो इसलिए गाइस अब उसने पार्टी दी है मुझे पेप्सी की और चिप्स की, मैं वही खा रहा था, वही बातें कर रहा था, वो कह रहा था मुझे शर्म आती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं उसको ले नहीं रहा था, मगर ले रहा। हेलो हाय, हेलो गाइस से बहुत ज़्यादा शर्मी रहा है और शर्मा रहा है ये, क्योंकि ये ब्लॉग में आता नहीं, आपने देखा नहीं होगा कभी, मगर आपने आज देख लिया, तो इसकी हंसी उड़ गई है, देखो ये देखो पूरी हंसी उड़ चुकी है।
पूरी हंसी समाप्त हो चुकी है इसकी। मतलब कि शर्मा रहा बंदा, देखो कोई ब्लॉग नहीं बनाता तो फर्स्ट टाइम कोई ब्लॉग बनाता है तो इंसान शर्माता है, मगर ये तो कभी ब्लॉग में आई नहीं गई, इसने खुद का ब्लॉग है तो शर्म तो आएगी आएगी गई। पहली बार तो मैं भी शर्मा रहा था कि कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना, तो इसलिए तो मेरी तो आदत पड़ चुकी है, मैं तो रोज ब्लॉग बनाता हूँ। तो गाइस इसी घर पर तोता है, देखो मैं आपको तोते से मिलवाता हूँ। मिट्टू बोलता है नहीं, मिट्टू गाइस ये काटता भी है क्योंकि वो उस साइड की साइड है ना, देखो बोल रहा है, ये काटता है इधर आएगा तो फिर ये बोलता है और उधर की साइड है ना तो ये कैसे बोलूं लाली क्या। तो यही है, अब मैं तो नानी के घर पे हूं, देखो घर हमने दरवाजा बंद कर रखा है ताकि कोई आए ना उस साइड से, क्योंकि फिर आ जाएगा डिस्टर्ब होगा गाइस हम लोगों को इसलिए। तो देखो वो आ नहीं रहा, जिद पन कर रहा है, कुछ बोल रहा है, देख लो आप आवाज सुनिए इसकी, बोलना बेटा बोलो मिट्टू, बोलो मिट्टू। तो गाइस शायद ये भी शर्मा आ गया क्योंकि फर्स्ट टाइम देखो बोल रहा है, हाँ शर्मा आ गया, तो ये भी शर्मा आ गया कि क्या बोलते हैं, अरे यार मैं तो फर्स्ट टाइम ब्लॉग में आया था इसलिए। तो देखो अब इसके अंदर हिम्मत आ गई है खड़े होने की, तो अब ये देखो खड़ा हो गया, शर्मा आ रहा है। गाइस काम पे से आया तो उसकी थोड़ी सी हालत ऐसी हो रही है क्योंकि आप समझ सकते हो मोटर मैकेनिक का जो काम होता है उसमें काफ़ी गंदे कपड़े हो जाते हैं, हाथ पर गंदे हो जाते हैं, मगर हाथ पर धो लिए थे इनने और कपड़े थोड़े से गंदे हो रखे हैं क्योंकि इसको दोबारा जाना है, मेरे चक्कर में ये छुट्टी करके आ गया हाफ, तो अभी चला जाएगा दोबारा, जैसे ही मैं जाऊँगा वैसे इसमें छोड़ता हुआ चला जाऊँगा। तो अब मैं जा रहा हूँ सीधा घर अपने, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया आए हुए, 2-2.5 घंटे हो गए मुझे, तो डायरेक्ट मैं अपने घर जा रहा हूँ। ठीक है गाइस अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए क्या करना है आपको, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो बाय।